हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको इन्वेंट्री में एक एडवांस फीचर बताऊंगी। हमारे जो इन्वेंट्री फीचर्स थे वो एक्स्ट्रा वाले वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो इन्वेंट्री फीचर्स में शो हो रहे थे। अब एक और फीचर है जिसमें है गोडाउन ट्रांसफ़र। आपको एक नॉर्मल फीचर करवाया था कि आपने गोडाउन में सामान जो है वो हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन एक और फीचर हमारा यूज़ होता है, वो होता है गोडाउन को ट्रांसफ़र अगर करना हो। अगर हमें एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हमने एक्चुअल में सामान जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, हम इसकी ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। तो गोडाउन ट्रांसफ़र के लिए आपको सबसे पहले तो नॉर्मल वही ऑप्शन करना है, आपको गोडाउन के ऑप्शन को यूज़ करना होगा। सबसे पहले मैं गोडाउन में कुछ सामान रख रही हूँ, फिर मैं उसको बताऊँगी कि आपको कैसे हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे देखिए F11 पे आके मैं यहाँ इन्वेंट्री फीचर्स पे आई हूँ। मैंने यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स को यस किया है। मल्टीपल गोडाउन्स को यस करने के बाद आपने इसको एक्सेप्ट करना है। ये सिंपल वैसा ही फीचर है जो हमने पहले गोडाउन की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें हमने जैसे किया था वैसे सेम है ये। तो आपने क्या करना है, गोडाउन मैंने क्रिएट कर लेना है इन्वेंट्री इन्फो पे आके। गोडाउन्स पे आके मैंने यहाँ पे एक गोडाउन क्रिएट किया अंबाला के नाम से। यहाँ देखिए मैंने अंडर प्राइमरी लेके अंबाला का एक गोडाउन बना लिया और एक गोडाउन मैंने पानीपत का बना लिया। ऐसे मैंने इसमें दो गोडाउन्स बना लिए। अब देखिए मैं कोई सामान अगर परचेज करती हूँ तो वो मुझे गोडाउन में रखने के लिए यहाँ पर पूछेगा। तो पार्टी अकाउंट नेम में मैंने कस्टमर का नेम ले लिया कि मैंने किससे गोडाउन को किससे मैंने सामान जो है वो परचेज किया है, और परचेज लेजर में यहाँ पे हम परचेज ले लेंगे। यहाँ नेम ऑफ आइटम में जैसे मुझे लेना है, यहाँ पे मैंने जो भी आइटम मुझे लेनी है, यहाँ मैंने शुगर आइटम ले ली। शुगर को हम किस में लेंगे, यहाँ पे हम यूनिट बना लेंगे। मैंने केजी की यूनिट बना ली और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे गोडाउन से पूछ रहा है, यहाँ गोडाउन में मैं क्या लूँगी। यहाँ मैंने अंबाला के गोडाउन में, सपोज करिए आप कि मैंने अंबाला के गोडाउन में शुगर रखी है 20 kg, पर kg मुझे 50 rupees की पड़ी, ठीक है। ये मैंने शुगर रखी, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे राइस रखा है, ये भी मैंने kg में ले लिया। और गोडाउन जो है ये भी मैंने अंबाला के गोडाउन में रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 50 kg राइस रखा है, 45 rupees per kg। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पास सामान ये पड़ा है शुगर और राइस, ये मैंने नॉर्मल गोडाउन की एंट्री कर दी। ये वाला यहाँ तक तो फीचर आपने पहले करा हुआ है देखिए, ठीक है। और ये देखिए हम एंट्री जो कर रहे हैं वो हम कहाँ कर रहे हैं, 21 अप्रैल में कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी डेट पे आपने जब भी परचेस किया वो डेट पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने ये एंट्री करी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, डिस्प्ले पे आके मैं चेक करती हूँ कि मेरे गोडाउन में मेरा जो सामान है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपने आना है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे, गोडाउन्स पे। यहाँ पे मैंने ले लिया अंबाला पे, मैंने देखिए अंबाला के गोडाउन में राइस और शुगर मेरे पास शो हो रही है। और अगर मैं पानीपत के गोडाउन पे एंटर करती हूँ तो पानीपत के गोडाउन में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो काम है कि एक्चुअली हमने क्या किया कि अंबाला के गोडाउन में हमारा सारा सामान पड़ा है। अगर हमें अंबाला के गोडाउन से पानीपत के गोडाउन में सामान ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, तो हम एक्चुअल में तो वो सामान हम ट्रांसफ़र कर देंगे, बट यहाँ पर हम जब एंट्री कर रहे होंगे तो एंट्री भी तो हमें करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो हमारे अंबाला में ही शो होता रहेगा सारा सामान जो है, ठीक है। तो आपने उसके लिए क्या करना होता है, हमारे पास आपको किसी फीचर को यस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इन्वेंट्री वाउचर्स पे आना है, ठीक है। आपने यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर्स पे एंटर करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है स्टॉक जर्नल, ठीक है, स्टॉक जर्नल। यहाँ पे जब हम इन्वेंट्री वाउचर्स ओपन करते हैं ना तो सबसे पहले स्टॉक जर्नल आ ही रहा होता है, सबसे पहले स्टॉक जर्नल ही आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, कि अगर आप ट्रांसफर मटेरियल को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है सोर्स और यहाँ लिखा है डेस्टिनेशन, कि यहाँ से सामान आप उठाओ और यहाँ पे आप डेस्टिनेशन पे रख दो। तो ऐसे हम यहाँ पे स्टॉक जर्नल की एंट्री कर देते हैं। स्टॉक जर्नल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्वेंट्री वाउचर्स पर ही आना होगा, अगर आपको शॉर्टकट की पता है तो आप शॉर्टकट की के थ्रू अकाउंटिंग वाउचर्स पे आकर भी उसको प्रेस कर सकते हैं। जो ये स्टॉक जर्नल है उसकी एंट्री के लिए हम प्रेस करते हैं Alt+F7। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये वाउचर ओपन हो गया, अगर आप Alt+F7 करते हैं तो उससे स्टॉक जर्नल का वाउचर अपने आप ओपन हो जाता है, चाहे आप अकाउंटिंग वाउचर्स में हैं या किसी भी मोड ऑफ वाउचर्स में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम ट्रांसफर की एंट्री करेंगे कैसे। यहाँ सोर्स है, सोर्स मीन्स यहाँ से आप अपना सामान पिक करो, उठाओ। तो यहाँ से मैंने लिया कि मैंने कौन सा सामान ट्रांसफर किया है, शुगर ट्रांसफर किया है। सबसे पहले डेट आपने ध्यान रखनी है, मैंने 21 अप्रैल को ये जो गुड्स हैं ये मैंने परचेज किए थे। अब मैं ट्रांसफर कब कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो ट्रांसफर कर रही हूँ वो मैं 25 अप्रैल को ट्रांसफर कर रही हूँ अंबाला टू पानीपत, ठीक है। शुगर जो है मेरे पास कितनी पड़ी है ये मुझे साइड में ऐसे शो हो जाएगी, जब मैं शुगर की आइटम लूँगी तो यहाँ साइड में पता चल रहा है 20 kg शुगर है मेरे पास। 20 kg में से 10 kg शुगर जो है
शुगर जो है मैंने वो यहाँ से अम्बाला से पिक करी, और 10 kg जो शुगर है वो मैंने पानीपत के गोडाउन में ट्रांसफर कर दी। अब यहाँ से मैंने लिया राइस, अगर मुझे राइस को भी करना है तो वो भी मैंने अम्बाला के गोडाउन से पिक किया। आपने यहाँ गोडाउन लिखना है, अम्बाला में मेरा 50 kg पड़ा है। अगर मैं चाहूँ कि 50 का 50 kg मेरा पूरा पिक करना है, ठीक है, पूरा सामान मैंने अम्बाला से उठा के पानीपत में रखना है, तो आप पूरा का पूरा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने यहाँ 50 kg लिया, ये जो रेट था वो मेरे पास आ रहा है। अब देखिए यहाँ से सॉस है, मतलब यहाँ से मैंने सामान उठाया, और अब कहाँ पर रखना है, यहाँ पर मैंने क्या रखना है, शुगर रखना है, इधर रखना है, पानीपत में रखना है, यहाँ पे आपने दूसरा गोडाउन बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं बनाया होता तो मैं ऑल्ट प्लस करके यहाँ गोडाउन बना सकती हूँ, ठीक है, यहाँ मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, अदरवाइज मैंने इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, अदरवाइज आप ऑल्ट प्लस सी करके बना सकती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पानीपत गोडाउन ले लिया, और क्वार्टरली में मैंने, अब देखो क्वान्टिटी में मैंने क्या लेना है, जितना मैंने वहाँ से सोर्स से पिक किया उतना ही मुझे यहाँ लाना पड़ेगा यहाँ पे। इसका नहीं तो मतलब ये हो जाएगा कि 10 kg शुगर तो आपका निकल गया, पानीपत में पूरा क्यों नहीं पहुँचा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उतनी अमाउंट लेनी है जितना आपने उधर लिया होगा, ठीक है, जितना आपने यहाँ सॉस की साइड लिया होगा। तो 10 kg यहाँ पे पहुँच गया, और ऐसी राइस जो है राइस की भी मैं एंट्री कर दूंगी, मैंने पानीपत में राइस जो है वो 50 kg ट्रांसफर कीजिए करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे एंट्री हो जाएगी ट्रांसफर ऑफ मटीरियल की, ऐसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ से अपने सॉस से अपना सामान पिक करना है, यहाँ से अपने गुड्स पिक करने हैं, और यहाँ डेस्टिनेशन पे रखने हैं, ठीक है। तो ऐसे हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं गोडाउन ट्रांसफर की। अब देखिए ये मैंने एंट्री एक्सेप्ट कर ली है, अब हम चेक कर सकते हैं एंट्री करने के बाद कि हमारा जो गोडाउन है वो एक्चुअल में ट्रांसफर हुए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वापस आपको यही आना है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे, गोडाउंस पे। आप अम्बाला पे आएंगे, अम्बाला में देखिए मेरे पास राइस भी था, बट मैंने राइस जो है वो पूरा ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए राइस मेरे पास शो नहीं हो रहा। शुगर जो है वो मैंने ट्रांसफर किया था, मेरे पास जो है 20 kg शुगर था। यहाँ पे आप एंटर करके देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा 20 kg जो है वो इनवर्ड था, 10 kg आउटवर्ड मैंने ट्रांसफर कर दिया है, तो ये यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा। अगर मैं पानीपत पे एंटर करती हूँ तो देखिए राइस में 50 kg और शुगर जो है 10 kg मेरे पास यहाँ पर अब शो हो रहा है। पहले मेरे पास पानीपत में कुछ भी शो नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने ट्रांसफर किया ही नहीं था। आफ्टर ट्रांसफर आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं गोडाउन्स को। तो ऐसे हम क्या करते हैं विदाउट एनी फीचर, आपको कोई फीचर को यस नहीं करना, आप डायरेक्टली इस फीचर को यूज कर सकते हैं। आपने ऑल प्लस F7 स्टॉक जनरल का वाउचर होता है हमारे पास, बहुत सारी चीजें हम इस वाउचर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम गोडाउन ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, आप इसको यूज करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।